बेहतरीन खबरों का दौर और माहौल है खुशनुमा। मुंबई में खास तौर से भारी भरकम जमकर बारिश होती हुई दिख रही है और हरियाली छाई है पूरी स्टॉक मार्केट में भी। कल ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद भी आई शानदार रिकवरी और आज है बेहद दमदार ग्लोबल संकेत। तो क्या तेजी और बढ़ेगी और अगर गैप से खुल जाए तो क्या फिर भी खरीदेंगे? इस सवाल का लेकिन जवाब शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और कह सकते हैं अनिल जी कि आज बाजार के साथ साथ मौसम का जो मिजाज है वो भी अच्छा है। मुंबई तो बारिश पहुंच चुकी है। अगर दिल्ली में मैं एक चीज सबसे ज्यादा अगर शायद मिस करूंगा तो वो मुंबई की बारिश। लेकिन आपको ज्यादा मिस करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो अनुमान है उससे ऑलरेडी एक हफ्ता पहले दिल्ली में बारिश शुरू हो जाएगी। 22 तारीख की दिल्ली की बारिश भी मुंबई की बारिश का मुकाबला कर पाए, क्योंकि ये बात तो सही है कि मुंबई वाले कभी दिल्ली की गर्मी और सर्दी का मुकाबला नहीं कर पाते और दिल्ली बारिश का। लेकिन जो मुंबई में शानदार बारिश होती हुई दिख रही है और सबसे बढ़िया बात है कि इस बार मानसून पूरे देश में समय से पहले आ रहा है, फैलता हुआ दिख रहा है और ऐसा नहीं कुछ ही इलाकों में बारिश होती हुई दिख रही हो, तो ये एक अच्छा संकेत है बाजारों के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं। और ये देखना भी काफी अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है और उम्मीद ये करते हैं कि मॉनसून की या फिर बारिश की इन फुहारों का असर बाजार पर भी दिखे। बिल्कुल। और एक संकेत तो ये बेहतर है ही जो कि मिल रहा है मॉनसून से, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखेंगे या फिर एशिया बाजारों को देखेंगे तो वहां से भी संकेत काफी बेहतर मिल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हम संकेतों के साथ ही। अमेरिकी बाजारों में जोरदार तेजी दिखी है। नैस्डैक, डाउ जोन्स, S&P 500 अच्छी मजबूती लेकर बंद हुए हैं। एशिया बाजारों का मूड सुबह सुबह अच्छा लग रहा है और SGX निफ्टी भी लगभग 40 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। फोकस आज रहेगा बैंकिंग स्टॉक्स पर क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी एक इंडेक्स होगा जिस पर ध्यान आज के सत्र में देना होगा। कल RBI ने बढ़ाई है ब्याज दरें 1.25%, उसका असर होगा आपके लोन पर, घर और कार की EMI बढ़ सकती है। लेकिन इकोनॉमी के लिहाज से एक अच्छी खबर, वर्ल्ड बैंक का भारत पर भरोसा बढ़ा है और FY19 में 7.3% की ग्रोथ का अनुमान उन्होंने जताया है। तो आज की शुरुआत से पहले संकेत काफी अच्छे हैं, लेकिन कल की क्लोजिंग भी दमदार थी अनिल जी, 1.25% की बढ़ोतरी हुई उसके बावजूद भी बाजार दौड़ा, ऐसा क्यों? देखिए, एक चीज तो साफ है और दीपाली आपको याद हो कि जिस दिन 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा था, 26,047 का हाई बनाकर सीधा 26,200 के आसपास पहुंचा था, 800-900 पॉइंट का इंट्राडे में फॉल, और वो तब हुआ था जब कहीं कोई दूर दूर तक अंदाजा खराब संकेतों का नहीं था और हम यही बात कर रहे थे कि ये बैंक निफ्टी जिस तरह से गिरा लगता है किसी को कुछ पता है, कुछ होने वाला है और ये एकदम एकदम क्लियर कट है कि उस तरह की बिकवाली, अगर 25 साल का एक्सपीरियंस बताऊं तो वो साफ नजर आता है कि जिसके पास खबर है उसे बेचना है, जिसको पता है कि रेट हाइक आने वाली उसे बेचना है। तो जाहिर सी बात है स्मार्ट लोग पहले बेच चुके थे और ऐसी सिचुएशन में रेट हाइक आने के बावजूद बाजार गिरे नहीं, उल्टा बढ़ गए, तो क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग है। और ये संकेत बाजार ने कल सुबह से देना शुरू कर दिए थे क्योंकि देखिए जिनके पास न्यूज है, जो स्मार्ट हैं, जिन्हें पहले से पता है क्या होने वाला है, वो एक्शन पहले लेते हैं और बाद में जब सबको पता चलता है तो वैसा होता नहीं है। तो ये एक क्लासिकल केस है जिसे आप जो कहना चाहें कह दें, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं बाजार ने अपना क्रेडिट पॉलिसी का रिएक्शन 2 दिन पहले दे दिया। अगर ये बाजार को नहीं पता होता तो ये वही होता जो 2 दिन पहले हुआ, वो कल होना चाहिए था। लेकिन वही है कि जब पता है बाजार को रेट हाइक आने वाली है, शॉर्ट्स बन चुके थे तो एक शॉर्ट कवरिंग होनी लाजमी थी और वो हुई। तो क्या बाजार के लिहाज से कह सकते हैं कि ठीक है पॉलिसी से पहले टूट के शॉर्ट कवरिंग आ गई, उससे शायद ज्यादा सेंटिमेंट्स अच्छे रहेंगे रेदर देन पॉलिसी का आउटकम आता उसके बाद टूटते? सी अल्टीमेटली तो डिमांड सप्लाई पर बाजार चलते हैं, चाहे आप कुछ भी कह दें, कोई भी खबर हो, अगर कितनी भी बुरी खबर हो और कोई खरीदने के लिए तैयार खड़ा हो तो बाजार गिरेंगे कैसे, और कितनी भी अच्छी खबर हो और कोई बेचने के लिए तैयार खड़ा हो तो बाजार बढ़ेंगे कैसे। सो अल्टीमेटली डिमांड सप्लाई काम आती है और डिमांड सप्लाई के केस में इस बार थोड़ा सा यूं कह सकते हैं कि साइकिल प्रीपोन हो गया। 2 दिन मेरे हिसाब से जो पॉलिसी है वो 3 दिन पहले ही आ चुकी थी, जो बाजार करना शुरू कर दिया सोमवार को आ चुकी थी। मेरे जब 10,770 का हाई निफ्टी ने बनाया था और जिस दिन 27,050 का हाई बैंक निफ्टी ने बनाया, मेरे लिहाज से उसी दिन पॉलिसी हो गई और वो पॉलिसी आई थी 9:30 बजे सुबह, 9:15 बजे, 9:30 बजे। बहुत ओपनिंग के बाद बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि ये पॉलिसी उस दिन लीक हो चुकी थी कि ये ब्याज दरें घटने वाले हैं, बढ़ने वाली है। अब उसके बाद जो हो रहा है वो उसके बाद का रिएक्शन है जो लाजमी है। अच्छा, कल तो 90 अंक बढ़ गया निफ्टी और आज की शुरुआत से पहले तो संकेत भी काफी दमदार है, 44 अंक ऊपर SGX 50 है, तो तेजी बरकरार रहेगी, रहनी चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। कल जिस तरह से सेंटीमेंट कल काफी सुधरा है 2 वजह से, एक तो जिस तरह से रेट हाइक के बावजूद और नहीं गिरे, शॉर्ट कवरिंग हो गई, और दूसरा जिस तरह से ASM स्टॉक्स जो एडवांस सर्वेलेंस मैकेनिज्म में डाले गए हैं और जो कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बड़ी मार पड़ती हुई दिख रही थी वो रिकवर हुए, तो ये 2 चीजें ऐसी जो भारतीय बाजारों का सेंटीमेंट बढ़ाने वाली है।
मजबूत करने वाली है, तो हमारा सेंटिमेंट थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है, ये एक संकेत साफ है। तो रिकवरी और कैश मार्केट के स्टॉक्स में पॉजिटिव रुझान, ये दो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आज के सेशन में आपको लीडरशिप जो मिलेगी, दशा दिशा जो मिलेगी बाजार की, वो बैंक निफ्टी से मिलेगी, न कि निफ्टी से, जो कल हमने कल भी कहा था। और उसकी वजह ये है दीपाली की, आज वीकली एक्सपायरी भी है और कल शॉर्ट कवरिंग भी हुई, और शॉर्ट कवरिंग कल दमदार हुई है। देखिए आप, इस सीरीज की शुरुआत में बैंक निफ्टी 230 अंकों के डिस्काउंट पर था और कल 25 पॉइंट के प्रीमियम पर आ गया, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीजें बदली है बाजार के लिए, तो ये एक अच्छा संकेत है। आइए आज के सेशन की रणनीति बनाएं। 10,700 आज आपके लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा, 10,700 के ऊपर है तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स सर उठाकर बड़े मजबूती के साथ बाजार में आपको नजर आएंगे कि चलिए हम अपर हैंड पर हैं। वही लेवल बैंक निफ्टी पर 26,400 का होगा और मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों लेवल के ऊपर ही बाजार की शुरुआत होगी, लेकिन डेटा के लिहाज से ये लेवल्स अहम है। बिल्कुल, अब आइए ट्रेडिंग रेंज 10,650-10,800, ये है निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज जिस पर आपको नजर रखना है। ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद कर रहा हूं कि 10,800 के पार निकल जाए, 10,775-10,800 वो रेंज होगी जहां बाजार थोड़ा रुक सकता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्यों वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बैंक निफ्टी 26,250-26,650 थोड़ी बड़ी रेंज ली है और बैंक निफ्टी में बड़ी रेंज लेना सेफ होता है और खासतौर से एक्सपायरी के दिन, तो बड़े मूव वैसे ही बैंक निफ्टी आजकल दे देता है, तो एक्सपायरी का दिन है तो थोड़ी रेंज बड़ी रखने में हर्ज नहीं है। लेकिन ये बड़ी रेंज जो है वो ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ी है, नीचे की तरफ इतनी नहीं है, तो मैं 26,250 को मजबूत सपोर्ट मान रहा हूं। इसीलिए आज से आज के लिए आप दो लेवल नोट कर लीजिए क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस, अगर निफ्टी 10,600 के नीचे बंद होता है तो ही आपको अपनी तेजी की पोजीशन खत्म करनी है। और आपको याद होगा परसों जब निफ्टी 10,593 पर बंद हुआ तो मैंने कल यही कहा था कि ये मेरे लिए बंद नहीं हुआ है 10,600 के नीचे, तो क्लोजिंग बेसिस पर अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है क्योंकि वो एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे आई, जब हम बंद हो रहे थे तो 10,605 था, तो अभी भी ये लगातार 9वां दिन मैं मान रहा हूँ, वो 10,593 को भी मैं 10,600 ही मान रहा हूँ। दीपाली लगातार 9 दिनों से निफ्टी 10,600 के ऊपर बंद हो रहा है, 10,600 के ऊपर बंद हो रहा है, इसलिए अब हमारे लिए संकेत साफ है, जब तक 10,600 के नीचे बंद नहीं होता है तब तक हमें डरना ही नहीं है, तब तक डरना ही नहीं, पॉइंट नंबर वन। अब आइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने पिछले दो दिनों में भी 26,250 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी और मैं चाहता हूं कि आज भी ना दे, तो 26,250 के नीचे क्लोज ना दे तब तक डरने की जरूरत नहीं, इसके नीचे बंद हो तो अपनी तेजी की पोजीशन को कम कर लीजिए। अब कई बार ये होता है ना कि बड़ी तेजी कब करनी है, वो लेवल कब आएंगे, वो लेवल मैं आज बैंक निफ्टी पे इसलिए नहीं देना चाहता, वीकली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के दिन की क्लोजिंग कभी भी आपको बड़ी ऊपर नीचे मिल सकती है, लेकिन निफ्टी पे वो लेवल बहुत क्लियर है मेरे लिए, 10,770-10,775 के ऊपर निफ्टी अगर बंद हो तो निफ्टी बहुत तेज दौड़ लगाने को तैयार है। अच्छा, हाँ, तो फिर हो सकता है आपको 10,900-11,000 मिल सकता इस सीरीज में, अच्छा जल्दी से मिल सकता, तो आज अगर 10,775 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो ये बाजार रुकेगा नहीं, फिर ये ध्यान में रख लीजिए, तो ये लेवल ऊपर की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्लोज होते आप भागेंगे। और इसकी अहमियत भी बता दूं, जो हमने करेक्शन देखा है उस करेक्शन में 10,770 का हाई बनाकर बाजार नीचे आया है, अच्छा तो 10,770 के हाई को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज हो, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, यानी कि हर एक उस ट्रेडर को, हर एक इन्वेस्टर को एग्जिट का मौका मिल रहा है जिसने किसी भी भाव में खरीदा है, अगर उसको मौका मिल जाए और वहां पर कोई फ्रेश खरीदारी बड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत हाथों से आ रही है तो फिर बाजार ऊपर जाना चाहिए, ये लॉजिक है और उस हिसाब से मैं 10,775 के ऊपर की क्लोजिंग चाहता हूं। आइए ट्रेड क्या लेंगे आप, 10,650 स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका निफ्टी पर खरीदारी के लिए, बहुत गैप से खुल जाए तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना होगा जो 10,675 या 10,700 का होगा, जब हम प्री ओपनिंग सेशन सेटल होगा तो आपको बता देंगे। आज इंटरेस्टिंग चीज देखिए दीपाली, मैं वही लेवल्स देख रही हूँ टारगेट के, ऐसे दिखते नहीं ना कभी 90, जनरली ये वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स वाले टारगेट होते हैं, इतने प्रिसाइज लेवल्स, मैंने बहुत साइंटिफिकली कल काफी मेहनत की है, क्योंकि कल जो ये मूवर, कल मैं रात को 1.5-2 घंटे बैठ के डेटा पूरा एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने कहा चलिए आज स्पेसिफिक लेवल दिए जाए बजाय राउंड फिगर के, तो 10,735 ये वो लेवल आ रहा था मेरे बार बार, जहां पर बाजार क्लोजिंग बेसिस पर और इंट्राडे बेसिस पर या तो रुक रहा था या सपोर्ट ले रहा था, पहला लेवल 10,765 इसलिए आया है, 10,763, 10,764 और 10,770 तीन दिनों का हाई बना है पिछले हफ्ते, अच्छा तो इस लेवल पर एक बार बाजार रुकना चाहिए, 10,760-10,770 रुकने के लिए परफेक्ट जगह है, क्रॉस कर लिया तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से 20-30 पॉइंट और मिल जाएंगे, 10,790 तीसरा टारगेट हासिल होगा, इसका कॉन्फिडेंस मुझे कम है लेकिन मैं उस संभावना से इनकार नहीं करता, इसलिए तीसरा पॉइंट रखा है, ये तो होगा। क्या शॉर्ट करना चाहिए आज रिस्की ट्रेडर्स को, जी हाँ
करना चाहिए। और शॉर्ट करने के लिए वैसे देखा जाए तो दीपाली सबसे बढ़िया रेंज जो है ना 10765 से 10790 की रेंज में, इस 25-30 पॉइंट की रेंज में मौका मिले शॉर्ट कर दीजिए। अलग अलग लेवल पे एक ही साथ मत करिए, इस 25-30 पॉइंट की रेंज में शॉर्ट करिए। 10800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, बिल्कुल छोटा है, ठीक है, हाँ, रिस्क ट्रिगर हो जाए तो जाने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट मत रहिए। और 10750 के टारगेट के लिए आपको शॉर्ट करना चाहिए, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, हाँ, तो 10790 के जितना नजदीक शॉर्ट करेंगे उतना बढ़िया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। बैंक निफ्टी खरीदना है आपको, स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट, वेल डिफाइंड, आराम से, कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, और वो है 26250 का। बहुत सेफ रहना है तो 26150 का जरूरत ही नहीं है, गैप से खुलेंगे तो। टारगेट 26500, अब 26500 हो सकता है वहां खुल जाए, मेरे हिसाब से 26400 के ऊपर खुलेंगे, 26500 पे भी खुल जाए, 26500 के ऊपर आप टिक गए थोड़ी देर तो दीपाली फिर तो जो एक्शन होगा बैंक निफ्टी, अरे पूछिए मत, मतलब मिनटों में भागेगा बैंक निफ्टी में जो है ना, वो हर टिक पे आपको ऊपर जो दिखता है ना वैसा माहौल दिख सकता है, बड़ी बात नहीं है, एक्सपायरी का दिन भी है तो 26650 तो चुटकियों में मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा दिख रहा, क्योंकि 26500 के ऊपर तो जो शॉर्ट कवरिंग होगी क्या बात है। लेकिन जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं यहाँ पर, अगर खरीदारी करें बैंक निफ्टी में तो आइडियल लेवल क्या रहेगा जिसमें 26500-26650 के टारगेट सब दे रहे हैं? कल के लेवल पे मिल जाए क्लोजिंग वाला तो भी बहुत बढ़िया है मिलेगा क्या वही वाला सवाल है। 26400 के आसपास मिले तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल 26400 के आसपास तो बिना दिमाग लाए लेना है। इशू यही कि 26500 खुलेगा तो क्या करना है वो हम 9:08 पे बताएंगे, जब इंडिकेटिव एक्शन तो वहां पर बताएंगे, लेकिन खरीदना है ये बात पक्की है। शॉर्ट करना है वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आजकल क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक तरफ का व्यू देना भी ठीक नहीं है, और वो इसलिए ठीक नहीं है, देखिए वैसे देखा जाए तो पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से बाजार में तेजी हो। पॉलिसी में अच्छा क्या है, आपकी एक अनिश्चितता खत्म हो गई रेट हाइक की, ठीक है ना, दूसरा क्या है, शॉर्ट कवरिंग हो गई, तीसरा जो सबसे अहम है, कल 6 के 6 मेंबर्स ने कहा रेट बढ़ाइए, है ना। अब होता क्या है दीपाली, कई बार जब आरबीआई का एक्शन होता है स्टैंड न्यूट्रल होता है, लेकिन जब मिनट आता है ना, मिनट कुछ और ही कहते हैं, मिनट हो सकता है डराने वाले आ जाए, तो इसीलिए ऊपरी स्तर मुझे सावधान रहना है ऊपरी स्तरों पर। और ये देखिए पॉलिसी ऐसा तो नहीं है कि बहुत अच्छी है बाजार के लिए, खाली अनिश्चितता खत्म होने से बढ़ना थोड़ी चाहिए, रेट हाइक हुआ वो तो वही है ना, वो तो सिस्टम में है, इकोनॉमी के लिए नेगेटिव तो है ही, तो इसलिए हो सकता है ऊपर की तरफ आपको थोड़ा कहीं रुकावट भी आए। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती बैंक निफ्टी की तो मैं पक्के तौर पर कॉन्फिडेंटली कहता कि ऊपर में बेचना भी चाहिए बैंक निफ्टी, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, शॉर्ट्स बहुत है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इतने अच्छा, मजे की बात है कि बैंक निफ्टी में अभी भी शॉर्ट्स कल ज्यादा कवर हुए नहीं है, होने बाकी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में आज शॉर्ट करना थोड़ा रिस्की तो हो सकता है, लेकिन अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं तो करें, ना करें तो कोई बात नहीं, 26650 पे करें, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 26750 का, 26500 मैक्सिमम टारगेट। लेकिन मेरी राय ये होगी कि अगर आप कम रिस्क लेने वाले हैं और हर स्क्रीन के सामने नहीं बैठते तो शॉर्ट को छोड़ दें, जाने दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेक्टर्स जो आज मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, बैंक्स थोड़े और चलेंगे, मेटल्स मजबूत होने चाहिए, और तीसरी एक खास स्पेस बड़े दिनों बाद मैंने चुनी है वो है पीएसयू बैंक नहीं, बैंक मेटल और खाली पीएसयू, इसमें से बैंक निकाल दिए, पीएसयू मतलब सरकारी कंपनियां, पीएसयू बैंक नहीं, बैंक में तो दोनों ही आ गए, प्राइवेट पीएसयू, लेकिन सिर्फ पीएसयू सरकारी कंपनियां दौड़ लगाएगी, देखिए आप। चलिए ठीक है, आगे चर्चा करेंगे पीएसयू स्टॉक्स पर, लेकिन क्या ये कह सकते हैं आज की शुरुआत से पहले कि अगर एफआईआईज के संकेतों को निकाल दे तो बाकी सारी चीजें पॉजिटिव लग रही हैं, फिर चाहे ओडीआईज हो, ट्रेंड हो? ना 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 दीपाली, एफआईआईज के संकेत भी पॉजिटिव है, ऐसा मैं खाली मैंने मतलब जानबूझ के पॉजिटिव नहीं लिखा, न्यूट्रल लिख दिया। एफआईआईज ने 81 करोड़ का बेचा है कैश में, लेकिन फ्यूचर में 490 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स में, लेकिन सामने सामने 300 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, तो मेरे लिए वो काम की है, स्टॉक स्पेसिफिक बिकवाली बड़ी है नहीं, इंडेक्स में थोड़ी सी बिकवाली चलेगी, सिंपल है। और 1600 करोड़ के ऑप्शन खरीदे हैं, तो ओवरऑल एफआईआईज के डेटा खराब नहीं है, मैं ये कहूंगा 3-4 दिनों के बाद नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पे आते हुए दिखे। मैं बहुत खुश नहीं हूं कि भाई डेटा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे लिए एफआईएस के डेटा न्यूट्रल काफी है, क्योंकि पॉजिटिव डेटा तो हमारे पास है ना, लोकल के 700 करोड़ की खरीदारी और वो आपको दिख रही है, कैश मार्केट के स्टॉक देखिए कल किस तरह से दौड़ लगा रहे हैं। तो जो अब किसी जेफरीज ने एचईजी और ग्रेफाइट पर रिपोर्ट दे दी, कई सारे आप फंड उठा के देख लीजिए, म्यूचुअल फंड हर एक के पोर्टफोलियो में एचईजी ग्रेफाइट दिखेगा, अपने आप मजा आ गया उन्हें, और खरीद लीजिए ये 700 करोड़ की खरीदारी। तो मेरे लिए अहम आंकड़ा 700 करोड़ की खरीदारी का है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एफआईआईज ने बेचना कम किया। पॉइंट नंबर 3,
ट्रेडर शायद आज फिर से आए खरीदने के लिए, तो ये तीनों चीज अच्छी है। ठीक है, अच्छा आपने अभी निफ्टी बैंक निफ्टी पर कई अहम लेवल्स बताए कि 26,250 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी पर, 10,600 है निफ्टी पर, ये लेवल्स क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर डेरिवेटिव का डाटा देखें तो क्या सबसे ज्यादा बिल्डअप इन्हीं लेवल्स पर हुआ है? देखिए पहला 10,700 निर्णायक लेवल क्यों वो समझ लीजिए। 10,700 के कॉल्स पर 31,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब फर्ज करें आप 10,700 के ऊपर खुलते हैं, खुलेंगे दिख रहा है, अब क्या होगा जैसे ही आप 10,700 के ऊपर खुल के टिके तो वो ट्रेडर्स जिन्होंने कॉल बेचे हुए हैं, कॉल बेचने वाले ट्रेडर्स मंदी करते हैं राइट, उन्हें टेंशन होगी कि अब हम तो लॉस में जा रहे हैं, 10,700 के ऊपर बाजार टिक रहा है, वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करने आएंगे। अच्छा। वो सहारा देंगे, इसलिए 10,700 एक लेवल सबसे अहमियत वाला निर्णायक लेवल है। पॉइंट नंबर वन, आज मैंने बड़े दिनों बाद एफआईएस के डेटा पॉजिटिव लिखे हैं, मैं न्यूट्रल लिख रहा हूं कई दिनों से, आज पॉजिटिव लिखे हैं, बताऊं क्यों? क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट में है वो पूरी सीरीज में, सीरीज की शुरुआत से 10,200 पर चल रहा था, आज वो 10,600 पर आ गया। अच्छा, तो हाँ, पिछले सब सेशंस में 10,200 की पुट में कंटिन्यू 10,200 था ना, तो आज 10,600 पे आ गया, एकदम से 400 पॉइंट ऊपर आपका बेस आ गया है, और 10,600 से आप कहां ज्यादा ऊपर बंद हुए हैं, मुश्किल से 100 पॉइंट ऊपर हैं, तो आपके लिए तो रिस्क कम हो गए। तेजी के मार्केट में ट्रेड करने का मजा ही तब है जब रिस्क कम हो और वेल डिफाइंड हो। 9 दिनों से 10,600 के नीचे आप बंद नहीं हो रहे निफ्टी पे, 10,600 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो सबसे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, विक्स देखिए 12.5 पर आ गया है, इससे बढ़िया क्या माहौल हो सकता है? अब इसमें एक ही चीज होता है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, जब पिक्चर परफेक्ट दिख रही है तो बाजार कभी कभी आपको सरप्राइज देने की, शॉक देने की कोशिश करता है, उसके लिए तैयार रहिए। और वो कितना मिलेगा? 10,600 के नीचे मिलेगा नहीं, अगर 100 पॉइंट के रिस्क पे आप बाजार को ट्रेड नहीं कर सकते तो फिर आपको बाजार में होना ही नहीं चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया परफेक्ट लेवल ये नजर आ रहा है पॉइंट नंबर वन निफ्टी पर। ऊपर कितना जा सकते हैं? 10,800 अगला पड़ाव होगा, जिसके पार जाना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि वहां पर कॉल्स में 34,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, थोड़ी रुकावट का लेवल है, उसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद हम आज जल्दबाजी में पार न करें। तो ये तो हो गया आपका निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे भारी भरकम पोजीशंस बन रही है, शॉर्ट साइड पर बेहद ज्यादा है, 26,300, 26,400, मुझे लगता है आज 26,500 के आसपास हम खुलने चाहिए। 26,500 के आसपास अगर हम खुलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 26,500 इसलिए हो जाता है दीपाली, वहां 12,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 4,00,000 तो कल ही जुड़े हैं कॉल्स में। अच्छा, अब वो डिसाइड करेंगे, जैसे आप 26,500 के ऊपर जाएंगे ना तो दो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होगी, एक जिन्होंने 26,300 और एक जिसने 26,400 के कॉल बेचे हुए हैं, और वो है 11,00,000 शेयर, 11,00,000 शेयर वो और 12,00,000 शेयर ये, तो आप सोचिए 22-23,00,000 शेयर ओपन हो जाते हैं शॉर्ट साइड पर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे 26,500 के ऊपर आपने 5 मिनट बिता दी ना, 26,650 आने में वक्त ही नहीं लगेगा, 100-150 पॉइंट तो आपको एक्सपायरी में ऐसे मिल जाएंगे, और जैसे जैसे हर 100 पॉइंट आप लांगेंगे एक शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी नीचे वाले 100-200 पॉइंट की। तो बैंक निफ्टी में साफ तौर पर शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट दिख रहा है। अब रिस्क एक ही है, वो रिस्क क्या है? एक, जिन लोगों ने पहले से बेचा हुआ था वो शायद अपनी शॉर्ट कवर करने आए तो या वो कर चुके हैं। दूसरा ये कि चूंकि 1,000 पॉइंट का फॉल एकदम तेजी से हुआ था तो कई लोग अटके हुए फंसे हुए, तो जिसकी प्राइस आएगी वो बेचने के मूड में भी रहेगा। तो हर लेवल पर थोड़ी थोड़ी सप्लाई आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरी चीज ये कि गिरने के लिए आपके पास जगह बहुत कम है। 26,150 से 26,250 ये 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर बेहद 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 मजबूत सपोर्ट है, जो एक्सपायरी के दिन टूटना नहीं चाहिए। तो जब आपको रिस्क पता है 26,150 26,250 आप बंद हुए हैं 26,350 पर, बैंक निफ्टी पर 100-125 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, बहुत छोटी रिस्क है, तो आपको रिस्क वेल डिफाइंड है। तो आज के बाजार में डेटा में सबसे परफेक्ट सेटअप जो है ना दीपाली, वो ये है कि डेटा आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर पिक्चर दे रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड कर रहे हैं। जैसे आपका स्टॉप लॉस एकदम आपको सही से पता चल जाए आपका काम हो जाता है। अब डेटा में देखिए, कल 41,000 शेयर बैंक निफ्टी में जुड़े हैं, प्रीमियम 24 पॉइंट की आई है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है, थोड़ी फ्रेश खरीदारी, पुट कॉल रेशियो 1.4 पर है, कंफर्टेबल है, डरने घबराने की जरूरत नहीं। विक्स जरूर बहुत नीचे आ गया है 12.5 के आसपास, और यहां से वॉलेटिलिटी बढ़ने के संकेत थोड़े से आते हैं, वो हो सकता है एक्सपायरी के दिन थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको आखिर में मिले, बहुत तेजी हो गई तो लोग बेचने भी आ सकते हैं, वो तो कुछ भी हो सकता है, जो हम 2:30 बजे डेटा देखकर फिर से विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन अभी शुरुआत करने के लिए सेटअप एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब मूड तेजी का ही है। और जो स्तर आपको बताए गए हैं उन लेवल्स पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे 9:08 पर। तो लेकिन आज पोजीशंस इंडेक्स पे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, दोनों पर तेजी की ही बनानी है। लेकिन अब वक्त हुआ है ये जानने का कि कौन सा वो स्टॉक है
जो कि आज फायरवर्क्स कर सकता है या फिर आज दिन भर के लिहाज से वो पार्टी बनाने का मौका तो आपको दे सकता है। तो रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का स्टॉक ऑफ द डे। तो कल के स्टॉक ऑफ द डे ने तो कमाल किया अनिल जी, कल के बाजार में कॉल देना अपने आप में एक बोल्ड डिसीजन था। और टाटा मोटर्स खुला फ्लैट और टाटा मोटर्स डीवीआर के बाद धीरे धीरे वो चले, तो अच्छी कमाई हुई होगी ट्रेडर्स की जिन्होंने यहां पर पोजीशन बनाई। इनफैक्ट आप देखिए कि कहां टाटा मोटर्स खुला और कहां तक की चाल चली टाटा मोटर्स ने। यूके के जो सेल्स नंबर्स हैं वो बेहद मजबूत आने की संभावनाएं मुझे दिख रही है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों एक्शन दिखा सकते हैं। टाटा मोटर्स डीवीआर के लिए 175 के आसपास के लेवल है, 174-176 की रेंज में, 290-295 राउंड फिगर में गिन लें आप कैश मार्केट के लेवल के लिहाज से। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर भी देख लीजिए, थोड़े थोड़े हरे निशान में खुलते हुए दिखे हैं। 2% मजबूत है 291 के लेवल्स पर। जोरदार मजबूती बनी है आज के स्टॉक ऑफ द डे में टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर। तो टाटा मोटर्स डीवीआर ने तो कमाल किया, लेकिन आज कौन सा स्टॉक है जो कमाल करने वाला है सर? दीपाली, फर्स्ट टाइम स्टॉक ऑफ द डे में कैश मार्केट का एक स्टॉक आ रहा है। अच्छा, और वो है फैक्ट फर्टिलाइजर एंड ट्रावन कोर। तो सरकारी कंपनी है, बिल्कुल सरकारी कंपनी है। हाँ। और इसीलिए आज पीएसयू को, और क्यों दिया है वो बता देता हूँ। पहले आप जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, उनकी एक बाइट सुन लीजिए पहले। ठीक है। पीएसयू के क्लोजर के लिए रिवाइज गाइडलाइन इशू किया है, और उसमें सबसे बड़ी समस्या होती थी कि जमीन को क्या किया जाए। तो आज के फैसले में आपको नोट मिलेगा कि इस जमीन का प्रयोग हाउसिंग फॉर द पुअर के लिए किया जाएगा, जिसमें स्टेट्स हो, सेंटर हो, उनके पीएसयू के लोग हों, बाकी हों। But what is important of cabinet decision today that the surplus land of the sick PSUs should be used as a matter of first right for construction of the house for the poor. तो ये है वो बड़ा ट्रिगर जिसकी वजह से मैंने फैक्ट चुना है। करीबन 2000 एकड़ जमीन इनके पास हुआ करती थी, उसमें से कुछ इन्होंने एक 350 एकड़ पर एक कॉरपोरेट पार्क बनाने का फैसला लिया है, वो जमीन का इस्तेमाल कर चुके। एक ये प्लांट लगा रहे हैं जिसमें बीपीसीएल और सरकार दो पार्टनर हैं, और इनफैक्ट वो प्लांट लगने के बाद 100 करोड़ का प्रॉफिट तो फैक्ट को उस प्लांट से आना शुरू हो जाएगा। एक प्लांट इनका ज्वाइंट वेंचर है, लेकिन सरकारी जमीन के मामले में अब भी फैक्ट के पास 650 एकड़ अनयूज लैंड पड़ी हुई है। 650 एकड़ बड़ा लैंड में। और उसमें भी दीपाली एक और खास बात यह कि 650 एकड़ लैंड में से 250 एकड़ लैंड जो है ना वो एकदम प्राइम लोकेशंस पे है। साउथ की कंपनी है, बेहद प्राइम लोकेशंस पे ये है, और आपको पता है कि इस सरकार का साउथ में फोकस क्या है अगले चुनाव को देखते हुए। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, एक चीज है कि अब सरकार जो बीमार सरकारी कंपनियां हैं उनकी जमीन का इस्तेमाल करना चाहती है, बीमार का भी करेगी और जो कम बीमार हैं उनका भी करेगी। फैक्ट के लिए अब टर्न अराउंड का केस हो रहा है बीपीसीएल के साथ जो प्लांट डालने की इनकी बात है उसको देखकर, लेकिन उसमें वक्त लगेगा, तो इस बात की पूरी संभावना। और दूसरी बात है कि इसकी जो जमीन है उसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है, एक कॉर्पोरेट पार्क ऑलरेडी डेवलप हो रहा है, तो ऐसे में फैक्ट के लिए शुरुआत नहीं करना है, शुरुआत हो चुकी है, खाली उस काम को आगे बढ़ाना है। इसलिए मुझे लगता है, और आपको मजे की बात बताऊं, जो ये जमीन है 650 एकड़ जिसका इस्तेमाल होना बाकी खाली पड़ी है, उसकी वैल्यूएशन है 4-5 हजार करोड़ की। तो पूरी तरह रिलेट कर देगा। और आप सोचिए फैक्ट का मार्केट कैप क्या है, 1500 करोड़। तो रिरेट ही हो जाएगा कम से कम, मतलब 3 गुना। तो आप ये वैल्यूएशन खाली लैंड का समझ लीजिए, 100 करोड़ का मुनाफा नए प्लांट से आएगा। अब दिक्कत क्या है, ये सरकारी शेयर खबरों के दम पर चलते हैं, रुक जाते हैं, फिर आपको इंतजार करना होता है। तो जिनको पेशेंस है उनके लिए ये शेयर है, या फिर जिनको ट्रेड करना है तो 50-51 का पहला टारगेट रख लें आज के लिए, 55 रुपए का दूसरा टारगेट कुछ समय के लिए रख लें। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर है, इन खबरों में, इन शेयरों को लेकर अगर आप में पेशेंस है, आप खबर का इंतजार कर सकते हैं, जब ये खबर आए तब खरीदें या फिर खराब माहौल में खरीदें, वो दूसरा तरीका हो सकता है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये स्टॉक यहां से एक री रेटिंग की कैपेसिटी रखता है। बिल्कुल, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, कंपनी खुद भी प्रॉफिट करेगी, लैंड भी है
और सरकार ने इरादा साफ जता दिया कि वो उस लैंड का इस्तेमाल घर बनाने में करेंगे ताकि सरकार को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, ये बहुत क्लियर है। तो फैक्ट मेरा आज स्टॉक ऑफ द डे 51 पहला टारगेट है, 55 दूसरा टारगेट। ठीक है, तो 51 का पहला टारगेट, 55 का दूसरा टारगेट, फैक्ट आज का स्टॉक ऑफ द डे। हमारी पूरी टीम है हमारे साथ बताने के लिए आज का एक्शन। खबरों वाले शेयर बताएंगी पूजा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताएंगे संदीप और ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे रजत। तो शुरुआत पूजा आपके साथ, किन शेयरों में आज एक्शन रहेगा खबरों के दम पर? जी आज शुरुआत HCL इन्फो सिस्टम्स के साथ कर लेते हैं। जुलाई 2017 में कंपनी ने एप्पल के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करार किया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि एप्पल अब जो वो करार है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ख़त्म कर देगी अगले साल 2019 में। वजह अभी कंपनी की तरफ से क्लियरली बताई नहीं गई है, लेकिन एप्पल का भारत में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ रिजिक का प्लान है, उसको फिर से स्ट्रीमलाइन करने की योजना है कंपनी की, जिस वजह से कंपनी इस तरीके के डिसीजन ले रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि कंपनी का रेडिंगटन के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन करार था और वो बना रहेगा, लेकिन HCL इन्फो सिस्टम्स के साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मार्च 2019 में ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते आज इस स्टॉक में इस खबर के चलते रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगला स्टॉक होगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, आज फोकस में। हम आपको बता दें कि कंपनी ने 5:1 के स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी, जिसको कि शेयर विभाजन के लिए कंपनी ने अब रिकॉर्ड डेट भी तय कर दी है और 18 जून कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय की गई है। मैक्लॉयड रसल, यहां पर कंपनी अपने टी एस्टेट्स बेच रही है। हम कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कंपनी ने अपने 8 टी एस्टेट्स को बेच दिया, बेचने की योजना है कंपनी की, और अब आज ये भी खबर आ रही है कि 4 और बेच सकती है, यानी कि कुल 12 टी एस्टेट्स कंपनी बेचेगी। अभी इन सबको, दोनों ही कंपनी जो इन एस्टेट्स को खरीदने की योजना बना रही हैं, अभी बाकी मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन करीब 400 करोड़ के आसपास के ये एस्टेट्स बेचे जाएंगे। और मैक्लॉयड रसल ने मे में भी कहा था कि ये जो रकम कंपनी जुटाएगी डेट कम करने में और आगे के एक्सपेंशन प्लान को के लिए कंपनी ये रकम जुटा रही है, तो ये स्टॉक भी इसके चलते फोकस में रहेगा। GMR इंफ्रा, यहाँ पर खबर है कि प्रमोटर ने करीब 1.5 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं कंपनी के, और इस शेयर खरीद के बाद प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो 47.69% से बढ़कर अब 47.94% हो गई है। तो इस एक्शन के चलते ये स्टॉक भी आज खबरों में रहेगा। क्वेस्ट कॉप, यहाँ पर खबर निकल कर आई है कि कंपनी की सब्सिडरी इंटीकोर VJP एडवांस सिस्टम में क्वेस्ट कॉप अपना हिस्सा बेचेगी और करीब 74% स्टेक यहाँ पर बेचने की योजना है कंपनी की, तो ये इसके चलते ये शेयर आज रडार पर होना चाहिए। और आखिर में बात करते हैं हैथसन एग्रो की। 14 जून से कंपनी का राइट्स इशू शुरू होने वाला है, जिसके जरिए कंपनी करीब 528 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। और हम आपको बता दें कि कंपनी ने जो राइट्स इशू का भाव है 555 रुपए प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर जारी किया जाएगा, तो हैथसन एग्रो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। तो ये खबरों वाले स्टॉक्स, लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स आए हैं कुछ स्टॉक्स पर, वो जान लेते हैं संदीप से। बताइए संदीप। दिवाली पहले तो जो कल पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ उसके ऊपर ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट आई है, पहले उसके बारे में आपको बता देते हैं। जो रेट हाई किया है RBI ने, उसके ऊपर CLSA का कहना है कि ज्यादा चिंताजनक नहीं है, मैनेजेबल है। इनफैक्ट मैक्वेरी का भी ये कहना है कि कुछ एक ब्रोकिंग हाउस मानते हैं कि शायद अगस्त में हो सकता है और कुछ एक ब्रोकिंग हाउस मानते हैं कि शायद अक्टूबर में जो दोबारा दरों में बढ़ोतरी है वो RBI की ओर से देखने को मिल सकती है। यानी कि लगभग ये आम राय ऐसी है कि दो बार इस साल में जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट एक सिटी की रिपोर्ट है वो तो ये मेंशन कर रही है कि शायद 2 से 3 बार दरों में जो बढ़ोतरी है वो इस बार देखने को मिल सकती है। जो पहले हाफ के लिए प्रोजेक्शन दिए गए हैं उसको लेकर ब्रोकर्स मानते हैं कि शायद स्थिति काफी कंफर्टेबल है, लेकिन दूसरे हाफ में यानी कि दूसरी छमाही में हो सकता है ग्रोथ और उसके साथ साथ महंगाई को बैलेंस करना RBI के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और एक फैक्टर मेंशन है ब्रोकिंग हाउस रिपोर्ट्स में, वो है भारत में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़नी नहीं चाहिए, अगर वो बढ़ती हैं तो फिर जो NBFCs हैं और जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती हुई दिख सकती हैं। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है तो आज आप मेटल पैक से हिंडालको के ऊपर नजर रखिए। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, 290 रुपये का टारगेट है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मुंह का मानना है कि अगर आप ग्लोबली कंपेयर करें इस कंपनी को तो आपको डिस्काउंट पर नजर आएंगी, सारी खराब खबरें डिस्काउंटेड हैं और वैल्यूएशन आपको सस्ते नजर आएंगे। HUL के ऊपर 2 ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट है, क्रेडिट स्विस ने लक्ष्य बढ़ाकर 1750 रुपये कर दिया है और आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार है और ग्रोथ के ऊपर कंपनी लगातार निवेश करी है, ये क्रेडिट स्विस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और इनफैक्ट जेफरीज ने भी
खरीदारी करने की सलाह बरकरार रखी है। 1680 रुपए का कारोबार जो टारगेट है वो दिया है। वो कह रहे हैं कि कोर कारोबार में मजबूती पर कंपनी का फोकस है, ये इनको काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन नेगेटिव साइड पे अगर आप देखें तो आज कैस्ट्रॉल के ऊपर नजर रखी है। एचएसबीसी ने होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखी है लेकिन लक्ष्य घटाकर 180 रुपए कर दिया है, 220 रुपए था। आप ध्यान रखिए क्रूड में जिस तरह से उछाल आया है इनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ सकता है, ऐसा एचएसबीसी की रिपोर्ट कह रही है। तो कैस्ट्रॉल एक स्टॉक है जिसपे आज प्रेशर आ सकता है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जहां पर दिखेगा एक्शन। और शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ राकेश बंसल हैं, विकास सेठी हैं और इनके साथ साथ राजेश सातपुते साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का स्वागत है जी बिजनेस पर। सेठी साहब, शुरुआत आपके साथ, बताइए मार्केट पर व्यू पहले और आपके पसंदीदा दिग्गज स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। जहां तक मार्केट्स का सवाल है, हमने पिछले एक महीने से बहुत बड़ा एक करेक्शन मार्केट में देखा है, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। जो भी खबरें थी पहले, जो म्यूचुअल फंड के रीक्लासिफिकेशन को लेके बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट आई मिड कैप स्मॉल कैप्स में, फिर ये जो ASM वाला इशू हुआ उसके कारण से कई जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उनमें भी चूंकि वो ASM कैटेगरी में आ गए तो वहाँ पे काफ़ी गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद से कल से RBI पॉलिसी की अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद से बाजार में अच्छी रिकवरी देखी गई। और मुझे लगता है अब ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये थोड़ी जारी रहनी चाहिए बाजार में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों तक अच्छी तेजी बनी रहनी चाहिए। तो मेरी राय में अगर कोई भी गिरावट मिलती है बाजार में तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जहां तक आज के लिए स्टॉक्स का सवाल है, मैंने 5 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं, 5 ही खरीदारी के लिए हैं। पहला स्टॉक रहेगा NIT टेक्नोलॉजीज का, स्टॉक बहुत ही अच्छा है। इसमें भी अच्छी खासी गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, मुझे लगता है यहां से रिकवरी होनी चाहिए तो इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा रहेगा कलकत्ता इलेक्ट्रिक CESC। ये कंपनी के भी डीमर्जर की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, मुझे लगता है इन लेवल्स पे ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। और डीमर्जर के बाद जो स्टॉक्स मिलेंगे उनके जो सम ऑफ द पार्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं यहाँ से, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है सब्सटेंशियल अपसाइड रहेगी और आज भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तीसरा स्टॉक हिंडाल्को, जो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, जिस तरह से कल इंटरनेशनल मार्केट्स में तेजी देखी गई है और जो ट्रेड वॉर्स को लेके भी थोड़ी चिंताएं कम हुई है, मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स में आज एक तेजी बननी चाहिए। हिंडाल्को कल भी अच्छा परफॉर्म किया और आज भी इसमें तेजी रहनी चाहिए, हिंडाल्को में खरीदारी करें। चौथा स्टॉक है IRB इंफ्रा। इस स्टॉक में भी निचले लेवल से अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, स्टॉक अच्छा है। और जिस तरह से इलेक्शन ईयर के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट्स वगैरह पे सरकार का फोकस रहेगा, मुझे लगता है इन लेवल से इस स्टॉक में भी तेजी करनी चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और पांचवा स्टॉक है टाटा मोटर्स का DVR, जो कल का आपका स्टॉक ऑफ द डे था, काफ़ी अच्छा कल किया और मुझे लगता है वो तेजी आज भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। मुझे लगता है टाटा मोटर्स के साथ टाटा मोटर्स DVR भी बिल्कुल चलेगा और इसमें परसेंटेज टर्म्स में मुझे लगता है टाटा मोटर्स से ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स बनेंगे, इसलिए मैंने टाटा मोटर्स DVR को चूज़ किया, यहाँ पे भी खरीदारी करिए। एक सॉलिटरी सेल कॉल रहेगा, वो रहेगा कैनरा बैंक पे। काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, UK में रेगुलेटर ने इस बैंक के ऊपर कुछ गड़बड़ियाँ पाने की वजह से पेनल्टी इम्पोज करी है। हालांकि पेनल्टी का अमाउंट छोटा है बट सेंटिमेंटली एक नेगेटिव न्यूज़ है, मुझे लगता है स्टॉक डेफिनेटली आज करेक्ट होना चाहिए। बट अगर ज़्यादा टूटता है तो चूंकि आज बैंक की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, मुझे लगता है अगर ज़्यादा टूटता है तो वहाँ पे खरीदारी करें, बट अगर कल के लेवल्स पे ही खुलता है तो वहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रही। ठीक है, तो 5 स्टॉक्स मिले हैं खरीदारी की तरफ मिस्टर सेठी की ओर से। टाटा मोटर्स DVR भी इसमें शामिल है जो हमारा कल का स्टॉक ऑफ द डे भी था, और एक बिकवाली की कॉल है वो है कैनरा बैंक। करेक्ट, बाकी सारे खरीदारी वाले हैं स्टॉक्स, तो कैनरा बैंक में भी बहुत गैप से खुल जाए तो बेचना, ये राय है। बंसल जी, सब खरीदेंगे आप तो? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको देख के लगे मुझे सुबह सुबह जैसे आप अंदर आ रहे थे स्टूडियो में, मैं समझ गया आज आपकी चाल से लग रहा है कि आज बहुत बुलिश है। नहीं अनिल जी, मेरा तो खैर पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप बैंक निफ्टी में लेवल्स दे रहे थे, देखिए बड़ा क्लियर है कि 26200 के नीचे मंदी है। करेक्ट, वो स्टॉप लॉस हो गया, तो अनिल जी थोड़ा सा आपको नहीं लगता एग्रेसिव होना चाहिए? मुझे तो 27000 के लेवल्स लगते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अरे हो, मैं तो तैयार हूँ आपको बैक करने के लिए, आप बोलो मतलब कितना एग्रेसिव होना चाहते हैं आप बताइए। अनिल जी 2700 मुझे लगता है कि आज ही थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अनिल जी एक्सपायरी है और देखिए आप बैंक निफ्टी स्पेशलिस्ट हैं, आप कंजर्वेटिव हो रहे हैं, तो चलो एक काम करते हैं। देखिए मैं भी यही हूँ, मार्केट भी यही है, बंसल जी भी यही है, जहां जहां जितना जितना और बुलिश होना होगा तो अब उसमें आपको एक ही काम करना है, फिर जुड़े रहना है इसी बिजनेस के साथ, तो हम वक्त पे आपको बताते रहेंगे। तो पहला नया अपडेट जो आपको मिलेगा वो 9:08 पर मिलेगा, 10:30 तक तो हम साथ में हैं ही,
तो तब तक अगर लगेगा कि बैंक निफ्टी में और बुलिश होना है, फिलहाल 26,650 के लिए बुलिश होना है, मुझे क्या पता आप इतने बुलिश में थोड़ा और सोच लेता। चलिए नहीं, बताइए आपके स्टॉक्स। अनिल जी, पहला कॉल महिंद्रा एंड महिंद्रा पर रहेगा, यहाँ खरीदारी की राय रहेगी, 897 का स्टॉप लॉस, 940 का टारगेट। दूसरा हिंडाल्को, काफी अच्छा लग रहा है, कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है पीछे जब एल्युमिनियम के प्राइसेस गिरे थे तो हिंडाल्को ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी, अब उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। 238 का स्टॉप लॉस, 261 का लक्ष्य। और लास्ट इन्फोसिस, काफी स्ट्रांग लगता है, 1210 पे आप स्टॉप लॉस को बढ़ा के 1210 पे लाना चाहिए और 1272 का लक्ष्य। ठीक है, तो इन्फोसिस पर खरीदारी की सलाह है, देखिए हमारी तीन ट्रेडिंग पिक है यहाँ पे। एक तो हमने कल शॉर्ट कवरिंग देखा टाटा मोटर्स में, हमें लगता है टाटा मोटर्स बाय करना चाहिए, इसका जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 326 का और स्टॉप लॉस रहेगा 285 का। सेकंड सीएट में हमें लगता है कि एक बाय इनिशिएट करना चाहिए, हालांकि कल सबड्यूड रहा लेकिन इसमें परसों के दिन एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है, इट्स एन अर्ली इंडिकेशन, तो मुझे लगता है सीएट विल बी ए बेटर बेट। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 1320 के आसपास और टारगेट रहेगा 1410 का। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज हमें अच्छा लगता है ऑन अ शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जहाँ पे ये रेस्ट कर रहा है और बेसिकली बाजार के सामने थोड़ा लो बीटा भी मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, तो उसके चलते मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज विल बी ए बेटर बेट। स्टॉप लॉस रखे 1920 का और इसका टारगेट है रफली 2070 का। अच्छा, ये टाटा मोटर्स पहले से आपको पसंद था कि वो हमारा प्रोमो देखकर और विकास जी ने बोला कि आपका स्टॉक ऑफ द डे था इसलिए आपने पसंद कर लिया, ऐसा तो नहीं है ना? वैसे ही समझ लीजिए अनिल जी। और वैसे भी अनिल जी, जिन लविंग इट नहीं, जिन फिगर्स की वजह से आपने कल ये स्टॉक पिक किया था वो फिगर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आई है। जगुआर लैंड रोवर सेल्स 19% बढ़ी है, हमारा अंदाजा 18-19% के आसपास का था, तो बढ़िया नंबर्स हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं तो टाटा मोटर्स इसलिए चाहता हूँ तेजी हो, मुझे तो पसंद है ही, लेकिन जिस तरह से बंसल जी ने चार्ट पर रिवर्सल के संकेत दिए टाटा मोटर्स के, मैं नहीं चाहता ये 270 कभी टूटे और ये इन्वेस्टमेंट वाला एक बेहतरीन आइडिया। क्योंकि क्या होता है, अगर लोग अच्छी क्वालिटी के शेयरों में नुकसान करेंगे तो फिर शेयर बाजार में रहेंगे कैसे? तो अच्छी क्वालिटी के शेयरों में तो कम से कम पैसा बने। अगर कोई मतलब ऐसे एएसएम वाले या कोई ऐसे आलतू फालतू शेयरों में अगर कोई नुकसान करके जाता है तब तो समझ में आता है, लेकिन टाटा मोटर्स में लोगों का पैसा टूटना नहीं चाहिए, बनना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे। चलिए, कॉन्फिडेंस कल एक स्पेस में बड़ा जोर से हिला है, वो है शुगर शेयरों का। और जो हम बात कर भी रहे थे बंसल जी, याद है आपको, तो कि जैसे खबर आए बेच दीजिए, जो धुलाई हुई है बलरामपुर चीनी की, पता नहीं अब ये शेयर जिस तरह से टूटे हैं। सेठी साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ शुगर शेयरों पर, और साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज जो कल हमने जाते जाते वो शेयर बताए वो भी कल काफी अच्छे एक्शन में रहा, तो ये बताइए इनमें क्या करना चाहिए शुगर शेयरों में, अगर किसी के पास है तो बेच दें या रखना चाहिए, प्लस प्राज इंडस्ट्रीज में क्या व्यू है आपको? नहीं बिल्कुल अनिल जी, आपको अगर याद हो तो जब लास्ट वीक में आपके शो में था और जब ये अटकलें चल रही थी कि कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है, तो मेरा ये फर्म मानना था और मैंने कहा भी था कि ये न्यूज़ आते ही इन स्टॉक्स को बेच देना चाहिए, बिकॉज हो सकता है जब पैकेज का अनाउंसमेंट होता तो फिर उस दिन जब ये पैकेज का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था तो मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही पैकेज का अनाउंसमेंट आएगा इन स्टॉक्स में एक नीजक रिएक्शन पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बट जो जो एक्चुअल कोर जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। शुगर कंपनीज के प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहे हैं करीबन 34 रुपये के आसपास, रियलाइजेशन है 28-29 रुपये का, तो एक काफ़ी बड़ा गैप हो गया है। और ये जो सरकार एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव्स देगी, एक्सपोर्ट अलाउ करेगी, तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जब शुगर के प्राइसेस इतने गिरे हुए हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं निकलता। और बाकी सरकार का जो फोकस है वो शुगर कंपनीज से जो किसानों के एरियर्स को चुकाने के हिसाब से ही कुछ कदम उठाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सेक्टर है बिल्कुल नया निवेश के लिए बिल्कुल देखना चाहिए। और जिनके पास है भी वो भी कोई भी उछाल में इस सेक्टर से निकले, बाजार में बहुत अल्टरनेटिव सेक्टर्स अपॉर्चुनिटीज है तो वहां पर निवेश करने की सलाह रहेगी। और जहां तक प्राज इंडस्ट्रीज का सवाल है, चूंकि क्रूड के दाम भी बड़े हैं और एथेनॉल को सरकार प्रमोट करती है तो उनको देखते हुए प्राज इंडस्ट्रीज कुड बी अ बेटर आइडिया। और वहां पे मुझे इंडिया ग्लाइकोल जो कि एथेनॉल की कंपनी है वो भी अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है इन दोनों स्टॉक्स पे तो पॉजिटिव रहना चाहिए, बाकी शुगर एज अ सेक्टर मुझे नेगेटिव लगता है, वहां पे निकलने की सलाह रहेगी।
तो प्राज इंडस्ट्रीज और इंडिया ग्लाइकोल दोनों स्टॉक्स पसंद है, और कल जो अनाउंसमेंट हुई भी है उसमें 4400 करोड़ के इंसेंटिव या फिर कर्ज देने की बात की गई है, तो वो पॉजिटिव इन दोनों कंपनियों के। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, राकेश बंसल, विकास सेठी और राजेश सातपुते, लेकिन रजत देवगन भी तो हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। और जब हमने इन तीनों एक्सपर्ट्स की ले ली है ट्रेडिंग पिक्स, तो रजत के पास भी कुछ बेहतरीन आइडियाज है। रजत, बाय कॉल से ज्यादा आज नहीं, सारी की सारी बाय कॉल। सरप्राइजिंगली बैंकिंग पे कोई भी बाय कॉल नहीं आई है। एक एनबीएफसी पे आई है, एचडीएफसी लिमिटेड पे, और ये कॉल है एबी मनी की। ये कह रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड खरीद लीजिए, अच्छे रिटर्न मिलेंगे, 1880 ये टारगेट दे रहे हैं, और 1838 ये एक स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। दूसरा है मारुति सुजुकी, 8950 का टारगेट है मारुति सुजुकी पे, और 8780 का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी बनाने की सलाह। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज एलएनटी पे बुलिश है, ये बोल रहे हैं ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है, 1390 का लगा लीजिए एक टारगेट, और 1332 इस ट्रेड पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आईडीबीआई कैपिटल अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की सलाह दे रहा है 211 के लक्ष्य के लिए, 201 का एक स्टॉप लॉस अंबुजा सीमेंट पे, और एक है डिफेंसिव स्पेस में मैरिको जो कि एक्सिस सिक्योरिटीज के रडार पर है, 347 का टारगेट है, और 332 ये आज के दिन का एक स्टॉप लॉस। ओके, तो ये हैं चार बेहतरीन स्टॉक, लेकिन मजे की बात है जो रजत बता रहे हैं कि चारों के चारों दिग्गज है, और एक भी बैंकिंग स्टॉक पर शॉर्ट कॉल नहीं है। चार दिग्गज हैं, एचडीएफसी, मारुति, एलएनटी, अंबुजा, और मैरिको एक जरूर मिडकैप शेयर है जो कि सुनकर बंसल जी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे। मंगलवार अभी टाइम है 11 बजे, मंगलवार 11 बजे ये शुभ दिन है मैरिको के लिए, जब बंसल जी के अकाउंट में से पैसा जाएगा इसकी एसआईपी के लिए। चलिए ये थोड़ी देर हम इंतजार कर लेंगे उस, और साथ ही आपको बता दें आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आपको पता तो होगा, लेकिन वीकली एक्सपायरी कहाँ हो सकती है इसका एक पोल भी आने वाला है, वो आपके सामने तुरंत हम लेकर आने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर उसका इंतजार कीजिए, वीकली एक्सपायरी का पोल आ रहा है। लेकिन उससे पहले सेठी साहब कुछ कैश मार्केट के बेहतरीन आइडियाज दीजिए, जो आपको लगता है कि ये एएसएम वाले स्टॉक हुए या मिड कैप स्मॉल कैप जो ज्यादा पिट पिटा गए हैं अब उनको खरीदा जा सकता है। देखिए अनिल जी, कैश मार्केट में जो स्टॉक्स है खास करके मिड कैप स्मॉल कैप्स में काफ़ी भारी गिरावट आ चुकी है पिछले कुछ दिनों में। जो दो तीन कारण थे वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए, और खास करके जो एएसएम वाला जो एक नए गाइडलाइंस जो सेबी ने जारी किए हैं, तो उसके कारण से कई फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट चूंकि ट्रेडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई या मैनिपुलेटिव लगने लगी और वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हो गए, तो उस लिहाज से उनको भी एएसएम में डाल दिया गया, और वहां से अच्छे खासे करेक्शंस के बाद अब वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए हैं। मुझे लगता है इस कैटेगरी में एक तो टिन प्लेट का शेयर बिल्कुल ध्यान में आता है, एक टाटा ग्रुप की कंपनी है जहां कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके कोई शक नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है, स्टॉक अपने हाइट से काफ़ी टूट चुका है। मुझे लगता है ये जो 174-75 के लेवल पे इस स्टॉक को खरीदारी करनी चाहिए। फिर मुझे लगता है रेन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी जो भी अपने 475 लेवल्स के जो हाइस टच किए थे वहाँ से गिर के अब 210-15 के लेवल्स पे आ गया है, ये भी एएसएम में स्टॉक्स आ गया है, बट यहाँ पे भी मुझे लगता है इन लेवल्स पे अब वैल्यूएशंस भी अच्छे हो गए, और जिस तरह का इनका बिजनेस है जो ये कंपनी का यूएस में भी काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट बिजनेस है, और वहाँ पे एक कॉम्पिटिटर के प्लांट होने की वजह से काफ़ी फायदा हो रहा था जो कि अभी भी बिल्कुल कायम है, मुझे लगता है नतीजे अच्छे ही रहेंगे। फिर ग्रेफाइट इंडिया, एचईजी, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं मुझे लगता है इन सब में जो गिरे हुए लेवल्स हैं यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, और यहाँ से मुझे लगता है अगर आपका 6 महीने 9 महीने का नज़रिया है तो यहाँ से कम 25-30% की अपसाइड बिल्कुल इन स्टॉक्स में देखी जा सकती है। अच्छे स्टॉक्स आपकी लिस्ट में आते हुए दिख रहे हैं, आइए अब उन स्टॉक्स पर फोकस करें जहां पर एक्शन दिखने वाला है आज दमदार। राजेश जी, बलरामपुर चीनी के चार्ट देखिए और बताइए जरा करना क्या है, जिन एक तो ये आज बैन में घुस गया और स्टॉक कल पिटा भी है, बताइए जिन लोगों के पास है वो क्या करें, और जिन लोगों ने शॉर्ट बनाई है वो कहां पर काटें। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है बलरामपुर चीनी, अगर आपको याद है लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, 74-75 ऑन अ हायर साइड, और जो लोअर साइड का सपोर्ट बनता है वो 65 से लेके 67 तक बनता है। मुझे लगता है ये जो 10 रुपये है, ये 10 रुपये में बलरामपुर चीनी घूमता है। अगर हम इसे प्योरली टेक्निकल बेसिस पे देखें तो अगर आप वीकली चार्ट देखो तो कम्प्लीटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, और इनफैक्ट यहाँ से डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है।
बट एट द सेम टाइम अगर आप मुझे पूछे कि राजेश जी आप लोगे क्या, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बाय करूंगा, क्योंकि ऐसे भी देखा गया है कि बीइंग ओवरसोल्ड ये पीटते जाते हैं. सो मुझे लगता है जो की इंपॉर्टेंट लेवल है वो 65 है. अगर 65 तोड़ता है तो फिर बलरामपुर चीनी फिर से नीचे जाएगा और मे बी इन दैट केस इट कैन मूव अप टू 50 ऑड लेवल. सो मुझे लगता है कि बलरामपुर चीनी जैसे सेलॉन राइज कैंडिडेट इसमें से बने नहीं रहना चाहिए. जब जब आपको उछाल मिलता है वहां से एग्जिट लेनी चाहिए. और जैसे आपने पूछा जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 65 का. खरीदने तो मैं दे ही नहीं रहा हूँ वैसे ही. बीच में कुणाल जी ने भी बहुत कोशिश की तो मैंने मना, मैंने कहा नहीं खरीदने नहीं दूंगा, ये स्टॉक खरीदना तो है नहीं, इसको बेचना कहाँ है, बस वही वाली देखने वाली बात है. तो बस बेचने पे फोकस करें ज्यादा ठीक है. 74-75 आइडियल लेवल. अब नहीं आएगा सर, बैन में है, कैसे आएगा? नहीं आएगा. पर नीचे की तरफ तो 50 तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं राजेश बलरामपुर चीनी में. लेकिन एक स्टॉक जो शायद मजबूत हो आज के सेशन में वो हो सकता है एचयूएल का. राकेश आप बताइए क्या करना चाहिए स्टॉक में. कल एनालिस्ट मीट थी और एनालिस्ट मीट के बाद सीएलएसए ने जो टारगेट्स हैं वो सीधे 100 रुपए बढ़ा दिए हैं. अब जो नए टारगेट आए वो 1750 का है. मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री डिमांड को लेकर ग्रोथ को लेकर काफी स्ट्रांग आई है, आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखिए दिवाली टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है. नीचे में 1560 एक अच्छा सपोर्ट है. 1571 के अराउंड स्टॉक ने क्लोजिंग दी है. कोई इस रिपोर्ट के चलते बाय करना चाहता हो तो दिवाली 10 रुपए का रिस्क लेना होगा. 1560 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में टेक्निकली स्टॉक 1590-1595 तक रैली दिखा सकता है. 1590-1595 20-25 रुपए की तेजी है, 10 रुपए की रिस्क है, बराबर फिर तो लेना बनता है. चलिए देखिए आज एक और चीज आपको बता दें. इनफैक्ट दो चीजें जो अहम है, एक तो ये कि ये एएसएम वाले स्टॉक्स की पहले से लीकेज हो गई खबर की, तो सेबी ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं. और दूसरा ये आज ढेर सारे स्टॉक्स की ऐसी लिस्ट है मेरे पास जिनके सर्किट लिमिट्स चेंज हुए हैं. 10-20% काफी कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हो गए, जो पहले 10% जैसे फिलिप्स कार्बन है, डीसीएम श्रीराम, मैं थोड़े थोड़े जो ढंग के स्टॉक्स हैं उन्हीं के नाम बोल रहा हूँ. फिर आपका है थंगामाइल ज्वेलरी, ऑटो लाइन इंडस्ट्री, मद्रास फर्टिलाइजर, बिनानी इंडस्ट्री, अच्छा फैक्ट भी है. अच्छा फैक्ट भी 20% का हो गया. ओके अच्छी बात है ये तो. मंगलम टिम्बर, ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं. देखिए आपके सामने लिस्ट आ रही है, ये सारे स्टॉक्स के सर्किट फिल्टर 10-20% हो गए. कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सर्किट फिल्टर 5-10% भी हुए, लेकिन जिनके 10-20% हुए हैं इन शेयरों पर नजर रखिएगा. एक्शन कुछ बढ़ सकता है क्योंकि लिमिट खुल चुकी है और लिमिट खुलने के बाद इन शेयरों में सेबको जैसी कंपनियां होंगी. कुछ कुछ ढंगदांग की कंपनियां हैं जिनकी ये लिमिट खुल चुकी है.